जीरो ऑयल कुकिंग चैलेंज रो आज होचे डे 3 आ आज रो खाइबार थाली एबे बनेबा स्टार्ट करिबा। सबटु प्रथमे मु गोटे फ्राइंग पैन नेई छी, फ्राइंग पैन अल्प गरम हे गलानी। फ्राइंग पैन गरम हे गला परे एबे पकेबी 2 चम्मच बिरी डाली, 2 चम्मच बुटो डाली, 2 चम्मच बादाम मंजी, अल्प किछि नोडिया छोटो छोटो कटा हाइतिबा, सुखिला लंका, गोलमरीच, गोटा धनिया बड़ गोटे चम्मच, गोटा जीरा गोटे चम्मच, किछि रसुण कल्ला, ए सब को नेकी किछि समय भाजिबा। तापरे एठी 2 टेम्फा भृसुंग पत्र मु पकेले आ ताकु भलो भाबे लो फ्लेम रो किछि समय पर्यंत भाजिनबा, कम से कम 10 रु 15 मिनिट ताकु लो फ्लेम रो भाजिनबा। भाजिनी सरला परे ता देहरु गुटे बहुत भलो बासना आसीबो, जो बासनाटा आसीले कि जणा पडिबो आमरो एई सबु जिंसो गुडा बहुत भलो भाबे हे गलानी। आ भृसुंग पत्र मध्ये बढ़िया से मुसमुसिया हे गलानी। एबे गैस रो फ्लेम ऑफ कर दबा आ ताकु ठंडा हवा पई छाडि दबा। एबे मु किछि छत्तु नेइछि, छत्तु को पानी रे परिष्कार करि धोइ नेइछि। तापरे छत्तु गुडी को छोटो छोटो करिके काटि नबा। फ्राइंग पैन रे मु छत्तु गुडा को सब नेइ गलि। फ्राइंग पैन रे बिल्कुल भी तेल देइनि, खाली एमिति फ्राइंग पैन रे मु नेइ गलि। आपन गोइटे मु टिके देखै देबी, आउ सेथिरे मु गोटे चामच लुण नेइ गलि स्वाद अनुसार। एठी आपन को देखै दउ छी जे फ्राइंग पैन रे बिल्कुल भी तेल नाही। लुण आउ छत्तु को आमे किछि समय घांटी दबा, घांटी दे सारला परे ढांकुनी देकी ताकु लो फ्लेम रे बसै दबा। एपटे भाजी के जो मसला रखीचु से गुडा ठंडा हे गलानी, सेथिरे पकै देली गोटे चामच लुण आउ गोटे चम्मच चाट मसला। तापरे एबे ताको गोटे ग्राइंडर जार रे नै गली आउ ताको भलो भाबे मिक्सी रे पेसी नेली। छतु लो फ्लेम रे 5 मिनिट रहिला परे सिझी गलानी। ता देहरे जो पानीटा बाहरिला से पानी रे छतु सिझी गला। एबे जो मसला गुडा को आमे ग्राइंडिंग करिथिले भजा मसला, सेथिरे कम से कम 3-4 चम्मच भजा मसला ई छतु देहरे मिसे दबा। तापरे ताकु भलो भाबे गोळेइ दबा। साइड रे एठी मु बासमती चावल को भात बनेइ कि रखी छी, से भात को आमे ई छत्तु मसला रे पकेइ दबा। तापरे ताकु भलो भाबे गोळेइ नबा। धीरे धीरे गोळेइबा जेमति भात गुडा को भांगिबनि। एबे आमर छत्तु मसला भात बिना तेल रो छत्तु मसला भात बनि रेडी हे गला। तापरे एठी मु 2टा टमाटर नेइ छी, से जो बाकी भजा मसला ग्राइंडर जार रे थिला सेथिरे टमाटर गुडा को हमें देकी अल्प पानी दबा। पानी दे सरला परे तार गुटे स्मूथ पेस्ट बनै नबा। एबे मु गैस रो से फ्राइंग पैन टा पुणी आउ थरे नेइ गली। तापरे जो मसलाटा को हमें ग्राइंडिंग करथिले ताकु फ्राइंग पैन रे ढाले दबा। एबे सेथिरे स्वाद मुताबक लुण आउ अल्प हळदी गुंड नेली आउ 2 डेंफो भृसुंग पत्र पकेकि मसलाटा को किछि समय कसि नबा। एथिरे पकेली किछि कंचा लंका। एस मसला को किछि समय गळै नि सरला परे सेथिरे किछि कटा हेतिबा सजना नाडी को मिसै दबा। सजना नाडी आपण चाहिले स्किप भी करि परिबे, चाहिले पकेबे, चाहिले न भी पकेबे, बट सजना नाडीटा पकेले टेस्ट सहित तार फ्लेवरटा मध्ये बहुत भलो आसीबो। आउ अल्प किछि पियाज को काटिकि ता देहरे मिसै दे। एबे एसबु को भलो भाबे गोळे के ढांकुनी दे किछि समय सजना नाडी जेते पर्यंत सिझिबो से पर्यंत ताकु ढांकुनी दे कि सिझै नबा। एबे ढांकुनी खोली सरला परे सजना नाडी बहुत भलो भाबे सिझि गलाणी। अल्प किछि पानी दे देली आउ किछि तेंतुली रो रस एठी दे दबा 2 चम्मच पाखा पाखी। आउ एठी पकेली गोटे चम्मच सांबर मसला, जोटा कि तारो बासनाटा को बहुत ही बढ़िया करिबो आ टेस्ट मध्ये भल लागिबो। बस एबे हमरो बिना तेल रो बिना डाली रो सांबर बनकी रेडी हे गला। एपटे मु किछि गोटा कलरा को धोई की रखी थिली ताको काटि नेबी, ता मझी रो चीरा दे की काटि नेबी। कलरा सब भलो भाबे काटि की रखी देली। एबे गोटे फ्राइंग पैन रे अल्प बादाम मंजी, किछि रसुण कल्ला, कंचा लंका, गोटे चम्मच बुटो डाली, अध चम्मच जीरा, एसबु को लो फ्लेम रे किछि समय भाजि नबा।
ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍ ବନ୍ଦ କରିସାରିଲା ପରେ ଅଧା ଚାମଚ ଧଳା ସୋରିଷ ଅଧା ଚାମଚ କଳା ସୋରିଷ ମିଶାଇକି ତାକୁ ଟିକିଏ ତାୱାରେ ହାଲକା ଭାଜି ନେବା। ତାପରେ ସେସବୁକୁ ଗୋଟେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଜାର୍ରେ ଦେଇ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇ ତା'ର ଗୋଟେ ସ୍ମୁଥ୍ ପେଷ୍ଟ ବନେଇ ନେବା। ଫ୍ରାଇଂ ପ୍ୟାନ୍ରେ ଦେଲି ଅଳ୍ପ ପାଣି, ସେଥିରେ ବଟା ହୋଇଥିବା ମସଲାକୁ ମିଶାଇଦେବା। ସେଥିରେ ଆଉ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇ ତାକୁ ଭଲ ଭାବେ ଗୋଳେଇଦେବା। ସେଥିରେ ସ୍ୱାଦ ମୁତାବକ ଲୁଣ, ଅଳ୍ପ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, କାଟିକି ରଖାହୋଇଥିବା ଗୋଟା କଲରା ସେସବୁକୁ ଦେଇଦେବା ମସଲାରେ, ଆଉ ତାକୁ ଭଲ ଭାବେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଗୋଳେଇ ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଢାଙ୍କିକି ତାକୁ କିଛି ସମୟ କଲରା ଗୁଡ଼ା ସିଝିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। କଲରା ବହୁତ ଭଲ ଭାବେ ସିଝିଗଲାଣି, ମସଲାରୁ ପାଣି ମଧ୍ୟ ଶୁଖିଗଲାଣି। ଏବେ ଗୋଟେ ତାୱା ନେଇଛି ଯେଉଁଥିରେ ମୁଁ ଟିକିଏ ବି ତେଲ ନାହିଁ, ସେ ତାୱା ଉପରେ ଏ ଯେଉଁ କଲରା ମସଲା ଆମର ସିଝି ଯାଇଥିଲା ତାକୁ ରଖିଦେବା। ଆଉ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ରଖିକି କଲରା ଗୁଡ଼ାକୁ ଭାଜି ନେବା। ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ କଲରା ଆମର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାଜି ହୋଇଗଲାଣି, ଏବେ ତାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ ନଉଟି ଦେବି। ଦେଖାହଉଛି ନା କେତେ ସୁନ୍ଦର କଲରା ଗୁଡ଼ା ଭାଜି ହୋଇଗଲାଣି। ଆଜିର ଥାଳି ରେଡ଼ି କରିଦେବା। ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ପାଣି ରଖିଦେଲି, ତାପରେ ଥାଳିରେ ନେଇଛି ବିନା ତେଲର ମସଲା, ଛତୁ ପୁଲାଓ, ଆମ୍ବ, ସେକା ହୋଇଥିବା ପାମ୍ପଡ଼, ପିଆଜ, ବିନା ଡାଲି ଆଉ ବିନା ତେଲର ସାମ୍ବର, ଗୋଟା କଲରା ମସଲା ଭଜା। ଆଜିର ଥାଳି ରେଡ଼ି। ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ତ ଲାଇକ୍ ଆଉ କମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ମିଶିବା ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।